हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे फूलों वाले पौधों की कटिंग को लगाएंगे, जिन पौधों की कटिंग को इस समय लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर इनकी कटिंग को इस समय यानी कि अगस्त में रेनी सीजन में हमने नहीं लगाया तो ये जो पौधे हैं हमारे नहीं बच पाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो पौधे हैं, वैसे तो ये परमानेंट पौधे होते हैं, पूरा साल हमारे गार्डन में सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में ये पौधे आते हैं। जैसे जैसे बारिशें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, वैसे वैसे ये जो पौधे हैं ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए इन पौधों की कटिंगों को अगर इस समय हम लोग लगा लेंगे तो ये जो पौधे हैं हमारे गार्डन से कहीं नहीं जाएंगे, हमारे गार्डन में सेफ रहेंगे। दूसरी बात, अक्टूबर से इन पौधों में फ्लावरिंग देखने को हमें मिल जाएगी, तो इस समय इनकी कटिंग को लगाना बेहद ही ज़रूरी हो गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग को हमें इस समय यानी कि सावन के महीने में लगाना है। तो देखिए, इन पौधों की कटिंगों को लगाने के लिए यहाँ पर हमने 40% नॉर्मल गार्डन सोयल, 60% रिवर सैंड और 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर को मिला लिया है। सबसे पहला जो पौधा है यह है पारिजात का। हालांकि यह पौधा पूरा साल फूल देता है, लेकिन इसकी कटिंग को ग्रो करने का सबसे अच्छा टाइम ये है। देखिए, इस समय इसकी कटिंग आपको इस तरीके से टिप वाले हिस्से की लेनी है, जो नई ब्रांच निकल रही हो। इसकी जो नोड एरिया है, मेरे फिंगर से आप लोग अंदाज़ा लगाइए, बहुत बहुत दूरी पर होते हैं, तो कम से कम कटिंग के 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर आपको हल्का सा कटिंग को तिरछा करके देखिए इस तरीके से लगा देना है। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, ये पूरे 1.5 से 2 महीने की अपडेट है, लेकिन इस समय आप लोग इसकी कटिंग को लगाओगे तो 15 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए जाफरी मैरीगोल्ड। इन पौधों को इस समय आप लोग बीजों से, कटिंग से दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इनकी कटिंग इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 3 से 4 इंच की ही आपको लेनी है। ये इनके नोड एरिया है, यहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी, तो कम से कम कटिंग का इतना हिस्सा मिट्टी के अंदर आपको कर देना है। रेनी सीजन में यानी कि बरसातों के दिनों में मैरीगोल्ड की कटिंग 3 से 4 दिन में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है। अभी इनकी अपडेट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, ये जो कटिंग आप लोग देख रहे हैं, 4 से 5 दिन पहले इन कटिंग को लगा करके मैंने इस तरीके से रख दिया था। नीचे से किस तरीके से इनमें जड़ें दिखाई दे रही हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो ये होता है बरसात के पानी का कमाल। नेक्स्ट जो पौधा है देखिए, जिसकी कटिंग को इस समय लगाना जरूरी हो गया है, ये है क्रिसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी। क्योंकि इस समय इसकी कटिंग को हम लोग लगा लेंगे तो आने वाले अक्टूबर नवंबर से इन पौधों में हमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-3 इंच की कटिंगों को हमें लेना है, ज़्यादा बड़ी कटिंग को नहीं लेना है। एलोवेरा जेल को कटिंग के ऊपर लगा लेना है। वैसे इस समय जैसे लगातार बारिशें हो रही हैं, तो अगर आप कोई भी रूटिंग हार्मोन या जेल को कटिंग के ऊपर नहीं भी लगाओगे तब भी आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी, क्योंकि बारिश का पानी अपने आप में एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है। लेकिन जेल को हम लगा लेते हैं तो कटिंग के गलने के चांस नहीं रहते हैं। तो देखिए, 10 से 15 दिन पहले ही मैंने इन कटिंगों को लगाया था, कितने अच्छे तरीके से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट जो पौधा है ये देखिए कलेंचो। कलेंचो की देसी और जो वेरीगेटेड वाली वैरायटी है, वो दोनों पौधे मेरे बचे हुए हैं। हालांकि जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे थे वो इस साल मैं नहीं बचा पाई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, लेकिन ये जो पौधे बचे हुए हैं ये भी ख़राब हो रहे हैं। तो इनकी भी कटिंगों को देखिए इस तरीके से हमें टिप वाले हिस्से की 2-2 इंच की कटिंगों को ले लेना है। जिस तरीके की भी कटिंग आपको पौधे के ऊपर से मिल जाती है, उस कटिंग को आपको ले करके इस तरीके से लगा देना है, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है। इस समय आपने कटिंग को लगा लिया तो आपके पौधे बच जाएंगे, कटिंग नहीं लगाई तो आपके पौधे बारिश से एंड होते होते मुश्किल से ही बच पाएंगे। तो देखिए, ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, पूरे 1 महीने की अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। हमारे यहाँ लगातार जैसे बारिशें हो रही हैं तो बारिश का पानी मिलने से कटिंगें जल्दी ग्रो हो रही हैं। नेक्स्ट जो पौधा है देखिए, ये भी इस समय अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, इसकी भी कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं। इसकी भी देखिए टिप वाली हिस्से की जो नई ब्रांच निकलती है, इसको सॉफ्ट ब्रांच बोलते हैं, 2-3 इंच की, यानी कि 1 नोड एरिया भी मिट्टी के अंदर चला गया तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। कटिंग के ऊपर अगर फूल लगे हुए हैं तो फूलों को हटा दीजिए। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, लास्ट महीने यानी कि जुलाई के महीने में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है इनको लगा करके,
चार कटिंगे लगाई थी, चारों की चारों कटिंगे कितने अच्छे तरीके से ग्रो हुई हैं आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए विनका या सदाबहार के, जो हाईवे वैरायटी के विनका होते हैं वो ज़्यादा बारिश के पानी से खराब होने लगते हैं, गलने लगते हैं, तो इनके भी इस समय फटाफट से देखिए इस तरीके से 3 से 4 इंच के टिप वाले हिस्से की या जोन से हिस्से की भी कटिंग आपको मिलती है, लगा लीजिए। कटिंग के ऊपर जितने भी फूल खिले हुए हैं, कलियां बनी हुई हैं, उन सबको हटा दीजिए, क्योंकि ये फूल और कलियां कटिंग के ऊपर लगे रहेंगे तो कटिंग की एनर्जी को लेते रहेंगे तो कटिंग देरी से ग्रो होगी। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, देखिए 15 दिन पहले ही मैंने इस पॉट में कटिंग को ऐसे ही दबा दिया था, कितने अच्छे तरीके से कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पेंटास के, मेरे पास लगभग 5 से 6 पौधे थे पेंटास के, वो लगभग 3-3 साल पुराने थे, लेकिन इस साल सिर्फ 1 पौधा मेरा बचा हुआ है। इतनी गर्मी पड़ी है जिसकी वजह से जो 8-8, 10-10 साल पुराने पौधे थे वो भी इस साल खराब हुए हैं, तो इनकी भी देखिए इस तरीके से फटाफट से कटिंगों को लगा लीजिए। हालांकि इन कटिंगों को तो मैंने 20 से 25 दिन पहले लगा दिया था जब 2-3 दिन हमारे यहाँ बारिश हुई थी, तो देखिए इस तरीके से इनकी भी टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की या जोन से हिस्से की भी कटिंग मिल जाती है, केवल नोड एरिया मिट्टी के अंदर चला जाना चाहिए। देखिए आप लोग देख सकते हैं 5 से 6 कटिंग को लगाया था, केवल 3 कटिंगे ही ग्रो हुई हैं आप लोग देख सकते हैं, तो इस समय इनकी कटिंग को आप लोग लगा लोगे तो 15 दिन में इसकी कटिंग में बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए धनवर्जिया, हालांकि ये पूरा साल फूल देता है, कभी भी इस पौधे की कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं, ग्रो हो जाती है, लेकिन इस समय इसकी कटिंग देखिए इस तरीके से आपको लेनी है, 3 से 4 इंच की, ना ही ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा पतली, इसको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं, और कम से कम कटिंग के 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर देखिए इस तरीके से कर देने हैं। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं 1 महीने पहले इस पॉली बैग में 2 कटिंगों को मैंने लगा दिया था, कितने अच्छे से ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए मिनिएचर रोज, हालांकि जो हाईवे वैरायटी के गुलाब होते हैं उनकी कटिंग इस समय ग्रो नहीं होगी, गल जाएगी, लेकिन इसकी कटिंग को आप लगा सकते हैं, तो इस तरीके से 5 से 6 इंच की कटिंग को लेना है, इसकी ना ही बहुत ज़्यादा पुरानी और ना ही बहुत ज़्यादा नई, यानी कि मीडियम कटिंग को आपको लेना है। इस समय इसकी कटिंग को आप लोग लगाओगे तो 20 से 25 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि अदर सीजन में इसकी कटिंग को हम लगाते हैं तो कम से कम 1.5 महीना ले लेती है कटिंग ग्रो होने में। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए मिनी चांदनी, इस समय चांदनी हो मिनी चांदनी हो किसी भी पौधे की कटिंग को आप लगा सकते हैं, लेकिन मिनी चांदनी की कटिंग को देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-3 इंच की कटिंग आपको लेनी है। बहुत सारे लोग इसकी हार्डवुड कटिंग को लगा देते हैं तो वो कटिंग भी ग्रो हो जाती है, लेकिन ग्रो होने में लगभग 1 से 1.5 महीना ले लेती है, लेकिन ये टिप वाले हिस्से की जो कटिंगें होती है ये 15 दिन में बहुत अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है बरसातों के दिनों में। कटिंग के अपडेट आप लोग देखिए पूरे 20 से 25 दिन बाद की अपडेट है, आप लोग देखिए कितने शानदार तरीके से इनकी कटिंगों में रूटिंग स्टार्ट हुई है, जितनी कटिंगें लगाई थी सभी ग्रो हो गई हैं, कटिंगों के ऊपर फूल भी आने लगे हैं, तो ये होता है बारिश के पानी का कमाल। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पोनसेटिया, इसमें इस पौधे की कटिंग को भी आप लोग लगा लीजिए, देखिए इसकी भी कटिंग आपको किस तरीके से लेनी है, टिप वाले हिस्से की 5 से 6 इंच की, इस समय इसकी कटिंग को हम लगा लेंगे तो आने वाले विंटर सीजन में ये पौधा भी हमारे गार्डन में सेफ रहेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए इसकी भी कटिंग को इस समय आप लोग लगा सकते हैं, इस समय ये पौधा अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, आने वाले सीजन में लगातार ये फ्लावरिंग करता रहेगा। देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 3 से 4 इंच की कटिंग आपको लेनी है, इसके भी नोड एरिया बहुत बहुत दूरी पर होते हैं, तो 1 नोड एरिया भी इसका मिट्टी के अंदर चला गया तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो प्लांट है यह है देखिए चाइनीज वायलेट, ये पिंक रेड पर्पल कई सारे रंगों में आता है और इसकी पत्तियां भी देखिए वेरिएटेड रहती हैं, इनकी देखिए 1-1, 2-2 इंच की कटिंग को भी आप लोग लगा दोगे, यानी कि सिर्फ नोड एरिया मिट्टी के अंदर चला जाना चाहिए, 3 दिन में इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। देखिए ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये पूरे 15 दिन की अपडेट है, कितने शानदार तरीके से कटिंग ग्रो हुई है, बहुत ही हार्डी और बेसनम पौधों की लिस्ट में आता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए टोरेनिया, ये पौधा भी ज़्यादा बारिशों के पानी से इस समय खराब हो रहा है, तो इसकी भी देखिए जैसी भी कटिंग आपको मिल जाती है, अगर सॉफ्ट वुड यानी कि टिप वाले हिस्से की पतली सी कटिंग आपको मिलती है तो ये कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने ही पौधे से 8 से 10 कटिंगों को लिया है और इस तरीके से हम लगा रहे हैं, 1 नोड एरिया मिट्टी के अंदर कटिंग का चला जाना चाहिए, इसकी कटिंग में भी 3 से 4 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है अगर बारिश का पानी इनको मिल जाता है। अपडेट आप लोग देख लीजिए,
8 से 10 दिन की अपडेट है कितने अच्छे तरीके से इसकी सभी कटिंगें ग्रो हुई हैं, तो इनको भी इस समय आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये चमेली की एक वैरायटी है, इसको जूही के नाम से जाना जाता है। इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है पूरा साल बिना रुके लगातार फ्लावरिंग करती है और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, क्योंकि हर एक नोड एरिया से इसकी मोटी मोटी सी गांठें बनी हुई होती हैं। इनको एरियल रूट्स बोलते हैं, तो इनके कटिंग कभी भी खराब नहीं होती है। कोई बिगनर्स भी या बच्चा भी इनकी कटिंग को लगा देगा तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट जो पौधा है देखिए ये है गॉनफ्रिना। इसका भी पौधा, एक ही पौधा लगातार बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, इस समय इसका पौधा भी खराब हो रहा है। तो इसकी भी देखिए इस तरीके से कटिंगों को लेना है, टिप वाले हिस्से की दो दो तीन तीन इंच की, यानी कि नोड एरिया का केवल आपको ध्यान रखना है। नोड एरिया मिट्टी के अंदर चला जाना चाहिए तो उससे कटिंग ग्रो होती है। देखिए ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं 20 से 22 दिन बाद की अपडेट है, कितने अच्छे से दोनों ही कटिंग ग्रो हो गई है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए डेंथस। डेंथस के भी मेरे पास लगभग 7 से 8 कलर थे, लेकिन इस साल सिर्फ 2 कलर ही मेरे बचे हुए हैं। हालांकि ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है, लेकिन फिर भी इस पौधे को इस समय बचाना मुश्किल हो गया है। इसकी भी देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की दो दो तीन तीन इंच की, यानी कि जो नई ब्रांच नई स्टेम निकल रही है पौधे में से, वो कटिंग आपको लेनी है। देखिए इस तरीके से कटिंगों को लगा देना है, 10 से 15 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगला जो पौधा है यह है कार्नेशन। ये पौधा भी हर साल मेरे गार्डन में बना रहता है, लेकिन इस साल इस पौधे को मैं नहीं बचा पाई। लेकिन 20 से 25 दिन पहले मैंने इस तरीके से इस पौधे की जैसे जैसे जहाँ जहाँ से कटिंग मिली वैसे वैसे कटिंगों को ले करके दो दो तीन तीन इंच की, देखिए इस तरीके से कटिंगों को लेना है। कटिंगों के ऊपर जो पत्तियाँ हैं उनको थोड़ा ध्यान से हटाना है, पत्तियों को खींचना नहीं है, क्योंकि पत्तियों को खींच करके हम हटाते हैं तो इनके नोड एरिया खराब हो जाते हैं, और अगर नोड एरिया कटिंग के खराब हो गए तो कटिंग आपकी ग्रो नहीं होगी। तो इस तरीके से कटिंग को आपको लगाना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बिगोनिया। बिगोनिया के भी मेरे 2 पौधे अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन इनकी हालत आप लोग देखिए कैसी हो रही है, बारिश के पानी से गल रहे हैं, तो इनके भी इस समय कटिंग को लगाना जरूरी हो गया है। देखिए इस तरीके से कटिंगों को लेना है। इनकी कटिंग को लगाते हुए एक बात और आपको ध्यान रखनी है, एकाध बारिश का पानी इसकी कटिंग को मिल जाए, बाकी बारिश के पानी से कटिंग को अलग रखना है, हटा देना है, क्योंकि इनके स्टेम में पानी भरा हुआ रहता है। ये सकुलेंट फैमिली के पौधे हैं, तो अगर जरा सी भी ओवर वाटरिंग हो गई तो आपकी जो कटिंग है वो गल जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो और कटिंग हम लगा रहे हैं उनमें जितना बारिश का पानी मिलेगा उतनी अच्छे से कटिंग ग्रो होंगी, लेकिन इसमें बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए, मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए आईवी जेरेनियम। हालांकि इसके जो पौधे होते हैं वो पौधे तो इस साल मेरे नहीं बचे हैं, लेकिन इनकी ये जो बेल वाली वैरायटी होती है इसके 2 पौधे मेरे बचे हुए हैं, वो भी इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि इनकी कटिंगों को मैंने लगा दिया था, तो वही कटिंगें बची हुई हैं। इसलिए हमें दोस्तों कटिंगों को लगाना जरूरी होता है। अगर मदर प्लांट मर भी जाता है तो जो कटिंगें लगी हुई होती हैं वो हमारी बची रहती हैं, सेफ रहती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए होया की एक वैरायटी है। होया में बहुत सारी कलर्स वैरायटी आती हैं जिनको कि हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या ट्रेलिस बना करके चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पौधे नहीं थे, तो कहीं से इसी वैरायटी की मुझे देखिए 5 से 6 कटिंगें मिली हैं। देखिए दो दो तीन तीन इंच की टिप वाले हिस्से की कटिंगों को हमने लिया है और इस तरीके से मिट्टी में हमें दबा देना है। इनका भी पानी का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पौधा है देखिए ये पर्पल हार्ट की तरह ग्रो करता है, लेकिन बारिशों के दिनों में ये पौधा खराब होने लगता है ज़्यादा बारिश के पानी से, तो इसकी भी देखिए इस तरीके से कटिंगों को लेना है। इसकी भी कटिंग जैसे पर्पल हार्ट की कटिंग ग्रो हो जाती है, ठीक इसी तरीके से 10 से 15 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। एक नोड एरिया भी मिट्टी के अंदर चला गया तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। देखिए इस तरीके से इनकी कटिंगों को लेना है, लगा देना है। ये सकुलेंट फैमिली का पौधा है तो पानी का विशेष ध्यान रखना है, इसमें बारिश का पानी ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। जैसे हमने बिगोनिया की कटिंग को लगा करके बताया था कि इसको ऐसी जगह रखना है जब बारिश का पानी इनके ऊपर ना पड़े, ऐसे ही इसकी कटिंग को लगाना है। तो चलिए दोस्तों ये तो थे वो पौधे जो कि परमानेंट तो होते हैं लेकिन फ्लावरिंग ये विंटर में ही करते हैं, यानी कि आने वाले अक्टूबर से इन पौधों में हमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए इस समय इनकी कटिंग को लगाना हमें ज़रूरी हो गया है। दूसरी बात, ये पौधे ख़राब भी हो रहे हैं तो हमारे पौधे भी बच जाएंगे, और इस समय जैसे बारिशें हो रही हैं तो इन पौधों के अलावा आप किसी भी पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं, यानी कि परमानेंट जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं सभी पौधों की कटिंगों को लगा सकते हैं।
मैंने भी कुछ और पौधों की कटिंगों को लगाया है, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ अलग से शेयर करूंगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में एक साथ शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।